गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तक का जितना भी पढ़ा है मैंने आपने अच्छे से समझ करके कॉपी में फेयर आउट कर लिया होगा। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 2.3 पे। ठीक है, 2.3 में क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है, उसको आपको सॉल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट। और आपको खुद को ही चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है, उसका रिजल्ट चेक करना है। तो बच्चों, मैंने तीन इक्वेशन बोर्ड पे लिखी है। पहली जो इक्वेशन है क्या दे रखी है? 3x = 2x + 18, यही है। तो मैं क्या करूंगी, प्लस का 2x है तो इसको इधर भेज दूं तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2x = में क्या बचेगा बच्चों? 18। 3x - 2x कितना आएगा? 1x, या खाली x। तो x = कितना आ जाएगा? 18। ये अपने x की वैल्यू निकाल ली। हमेशा आप कितना करके छोड़ते हैं, लेकिन इस बार मैंने क्या करेगा, चेक भी करो। चेक करोगे तो आप क्या करोगे, लिखो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों जगह लिख के चेक करेंगे। और दोनों तरफ का आंसर अगर सेम आया ना तो अपना क्वेश्चन भी सही है। LHS क्या है? 3x। RHS क्या है? 2x + 18, यही तो है। तो 3x की जगह क्या लिखूं मैं? 18। और इधर 2x की जगह लिखूं 18 + 18, यही तो आएगा। अब 83 का कितना होता है बच्चों? इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, 54। और इधर कितना है? 2 18 + 36 + 18, तो कितना आएगा? 54 = 54। तो बच्चों, मुझे दिख रहा है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मतलब मेरा आंसर क्या है? सही है। समझ में आया बच्चों? इस तरह से हमने हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैं क्या करूंगी, प्लस का 3t, इधर t के पास आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या करूंगी, 5t - 3t, इधर क्या है, माइनस का 5 तो है, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? आगे 5t - 3t कितना बचेगा? 2t - 5 + 3, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा और साइन किसका लेगा? जिसकी वैल्यू बड़ी है। अब 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, -2/2, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। वापस चेक भी करना है तो वापस हम यही में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन LHS एंड RHS, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन LHS एंड RHS। तो अपनी क्वेश्चन क्या है, 5t - 3 ये LHS है, 3t - 5 ये क्या है हमारा? RHS। तो 5t की जगह मैं उतार दूं -1 - 3, इधर 3 - 1 - 5, यही है। 5 - 1 - 1, यहाँ पे -3, 3 - -1 - 3 और -5, तो यहाँ पे आएगा -8 और यहाँ पे भी आएगा -8। तो बच्चों, मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? इक्वल है। समझ में आया? तो इस तरह से हमने हमारे दो क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, प्लस का 3 से उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। और यहाँ पे प्लस का 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना आएगा बच्चों? 5x - 3x - 2x और 5 - 9 - 4, यही तो आएगा। वापिस क्या करूंगी, 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में ले आऊंगी, तो 2 को 4 से डिवाइड करूंगी, कितना आएगा? 2, वो भी किसका आएगा? माइनस का। अब वापिस पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन LHS एंड RHS, यही लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन LHS एंड RHS। तो क्या है वैल्यू अपनी LHS में? 5x + 9, इधर है 5 + 3x, तो जहां पे भी x है वहां पे क्या लिख दूं? माइनस का 2। और यहां पे भी 3 - -2, 5 × 2 = 10, वो भी किसका? माइनस का। प्लस का 9, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, साइन किसका लगेगा? माइनस का। यहां पे 5 × 3 = 6, तो 5 - 6 माइनस का 1 ही आएगा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो लेफ्ट
तो बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस प्लेस चेंज की है। 8x - 3x 5x, यहां पे माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 7 प्लस 7, तो कितना आएगा 5x equals to 0 और x equals to क्या चाहिए आपको आंसर, 0 ही आएगा, 0.5 0 ही आएगा। अब आपको क्या बोला है कि आप आंसर चेक करके बताइए कि दोनों तरफ सेम आ रहा है क्या, तो आप क्या लिखोगे, putting the value of x, putting the value of x in LHS and RHS, तो LHS कितना है अपना 8x plus 4 equals to 3x minus 1 plus 7, इतना ही है अपना LHS, तो अपने value put up करते हैं, जहां पे भी x है वहां पे क्या रख दूं मैं 0, इधर भी 3, 0 minus 1 plus 7, यही है 8 into 0 0, 0 plus 4 4 ही आएगा, यहां पे 3 0 से 0 और 3 1 से 3 plus 7, तो यहां पे आया 4, यहां पे बच्चों माइनस का 3 प्लस का 7, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 7 minus 3 कितना आएगा बच्चों 4, तो मैं क्या बोल सकती हूं कि जो LHS है वो मेरे RHS के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। समझ में आया बच्चों, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बच्चों, आपको दे रखा है ये ब्रैकेट में, मतलब ये दोनों के साथ है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, 4/5 × x, तो 4x/5 और 4 × 10 40/5, यही आएगा, प्लस का 4x/5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा और इधर बच जाएगा 40/5, इनका क्या ले लूं मैं, LCM ले लूं, कितना आएगा 5, तो 5x minus 4x equals to 40/5, तो 5x minus 4x 1x/5 equals to 40/5, यहां तक बच्चों प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर देती हूं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देती हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × x 5x 5 × 40, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब x equals to 5 मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, बच्चों आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो पहले, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, अपने सीधे ही लेते हैं, 5 से 5 गया तो आपका x equals to कितना आ जाएगा 40, समझ में आया बच्चों हमने क्या किया, हमने सीधा बस का इसको सॉल्व कर रखा है, अब आगे हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या करके चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, अपने लिखेंगे putting the value
डिवाइड में, यही होगा वापस r टू 303 35 15, तो x इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 10। समझ में आया? अपना क्वेश्चन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अपने को क्या करना है, x की वैल्यू पुटिंग पर पुट करनी है। तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन LHS एंड RHS, यही बोला है आपको। तो अब x है क्या, आपकी वैल्यू क्या है, 2x/3+1 और इधर है 7x/15+3, यही दे रखा है। तो जहां पे x है वहां पे क्या होता है 10, 2×10/3+1, इधर भी 7×10/15+1 3, यही तो आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 20/3+1, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, ये कट रहा है तो आप काट भी सकते हो इसको, कैसे काटोगे, 5 × 5 = 10, 5 × 10 = 15, 7×14/3+3। समझ में आया? अब इनका क्या ले लोगे, एलसीएम, इधर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3, तो 20 और इधर आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 23/3। यहाँ पे करूंगी मैं एलसीएम लूंगी 3, तो यहाँ आएगा 14 और 3 × 3 = 9, 14 और 9 कितना होता है बच्चों 23/3, तो मेरी दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, LHS equals to RHS, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है बच्चों, सही है। समझ में आया? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या करेंगे हम, ये y माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का, तो 2y + y = 26/3 और प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का, तो 2y + y 3y, और 20 नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा 3 लिख लेती हूं, 26 - 5 = 21। अब क्या करूंगी मैं, 3 नीचे है ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो y = 21/3 × 3, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो यहां पे काट दो इसको, 3 × 3 = 7 जा, तो कितना आया 3y = 7, y कितना आ जाएगा 7/3। यहां तक बच्चों प्रॉब्लम नहीं है, अब वापस क्या करूंगी मैं, पुटिंग ही करूंगी, तो मैं आगे लिखूंगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन LHS एंड RHS। बच्चों ये वाला 8th का ही है और ये 9th का है, ठीक है, 10th का हम वापस आगे करेंगे। अब यहां पे आपको कैसे वाली पुटअप करनी है, 2y + 5/3, इधर कितना है 26/3 - y, इतना ही तो है, इसको सॉल्व करो, y की जगह क्या लिखूं मैं, 7/3 + 5/3, यहां पे भी 26/3 और y की जगह क्या लिखूं मैं 7/3, इनका कितना आएगा 7×14/3 + 5/3, नीचे डिनोमिनेटर सेम है सीधा ऐड हो जाएगा 19/3, यहां पे डिनोमिनेटर सेम है 26 - 7 कितना आएगा 19 ही आएगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 19/3। तो आपका क्या बोलोगे, आपकी हमारा जो LHS है और RHS है वो क्या है, इक्वल है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको 8 to 9 करवा दिया है, आप यहाँ तक का क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमको इक्वेशन दे रखी है, तो मैं क्या करूंगी, ये प्लस का 5m है तो इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो मैं क्या लिखूं 3m - 5m और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 8/5, 3m - 5m बच्चों कितना आएगा माइनस का 2m और इधर माइनस का 8/5। अब इधर कुछ कट नहीं रहा तो मैं सीधा सॉल्व कर देती हूँ, तो बच्चों आगे क्या आएगा हमारा, अब देखो यहाँ पे कट नहीं हो रहा, अब क्या होगा -8/5 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 2। अब देखो माइनस से माइनस गया, 2×1 = 2, 4 = 8, तो m इक्वल्स कितना आएगा 4/5, तो मैं क्या कर दूं m की वैल्यू पुट अप कहां कर दूं LHS और RHS में, तो 3m की जगह आ जाएगा 4/5, इधर 5m की जगह वापस 4/5 और -8/5, यहाँ पे कितना आएगा 3×4 = 12/5, यहाँ पे 5×4 = 20/5 -8/5, तो 12/5 = 20 - 8 = 12/5,